हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इटाम्बे मिनास वर्सेस सी आर फ्लेमिंगो। तो इनका जो मैच है कल का लास्ट मैच है, मतलब थर्ड मैच है कल का वुमेन सुपर लीग, मतलब आप कह सकते हैं ब्राज़ीलियन सुपर लीग का। और इसकी डेडलाइन जो है लगभग सुबह 6 बजे है, तो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग। पिछले दो डेडलाइन भी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है, 4 बजे हैं और इसके बाद 2 घंटे के बाद इसका डेडलाइन है 6 बजे। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। प्री इन्फो से अगर बात करूं तो यहां से आप देख सकते हैं इटाम्बे मिनास थर्ड पोजीशन पे अभी प्लेस हैं 11 मैचेस में 27 पॉइंट्स के साथ। उसके बाद यहां से अगर फ्लेमिंगो की बात करें तो 10th पोजीशन पे हैं, काफ़ी लो लेवल की टीम है और काफ़ी बुरे फॉर्म से आ रहे हैं। तो आपके लिए यहां पे इटाम्बे मिनास काफ़ी फेवरेट टीम रहेगी। यहाँ से अगर बात करें इनका हेड टू हेड की, तो लास्ट इनका हेड टू हेड हुआ था 13/11/2019 को, मतलब जो है नवंबर में हुआ था, नवंबर 13 तारीख को। और उसमें जो है इटाम्बे मिनास ने 3-0 से इजीली विन किया स्ट्रेट सेट्स में। परफॉर्मर्स के अगर बात करूं तो डिया मैकलेंडन, तो इन्होंने जो है यहाँ से इटाम्बे मिनास की तरफ से 15 पॉइंट स्कोर किया। उसके बाद यहाँ से फर्नांडा आइसिस डा सिल्वा, तो इन्होंने 11 पॉइंट्स जो है फ्लेमिंगो सीआर फ्लेमिंगो की तरफ से जो है स्कोर किए थे। इटाम्बे मिनास की तरफ से टीम न्यूज़ की अगर बात करूं तो इन्होंने अपना लास्ट जो मैच था वो डेंटिल प्राइ क्लब के अगेंस्ट खेला था। उसमें जो है इन्होंने 2-3 के साथ जो है मैच को हार गए, काफ़ी बढ़िया मैच था। परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो रोसलैंडी अल्वारेडो, तो इनके जो है 17 पॉइंट्स बने थे। उसके बाद यहां से कैसली क्लेमेंटे, तो इनके 12 पॉइंट्स, और यहां से ब्रूनो हनेरियो के 8 पॉइंट, और थाइसा दहर डी मेंजेस काफ़ी बढ़िया पिक हैं, इनके भी 13 पॉइंट्स बने थे। तो ये कुछ स्कोरर्स थे लास्ट मैच से। इनके लाइनअप के बारे में कोई अभी तक मेरे को न्यूज़ नहीं मिली है, तो मेरे हिसाब से अभी मैं मान के चल रहा हूँ जो लास्ट मैच में लाइनअप स्टार्ट किया था तो वही जो है लाइनअप होने वाला है, और मे बी वही कोर को मेंटेन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया जो है इनका लाइनअप है। तो यहाँ पे इटाम्बे मिनास वैसे ही जो है आपके लिए एक कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट पिक बन जाते हैं मैच विनिंग के लिए। यहाँ से अगर बात करूँ पॉसिबल लाइनअप्स की, तो इनके जो मिडिल ब्लॉकर हैं कैलविन गट्टास, और यहाँ से थायस डेर डी मेंजेस, तो ये खेल सकते हैं। थाइसा काफ़ी दोनों बढ़िया बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, सॉरी ब्लॉकर हैं आप कह सकते हैं। इनको आपने जो है क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी देखा था, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करती थी, खास करके थाइसा काफ़ी बढ़िया पिक हैं। तो ये दो मिडिल ब्लॉकर होने वाली हैं, ब्रूनो हनेरियो इनके जो है अपोजिट हिटर होने वाली हैं। उसके बाद अगर बात करें तो कैसली क्लेमेंटे और रोसलैंडी अल्वारेडो दोनों जो है इनके स्ट्राइकर्स होने वाले हैं मेनली। उसके बाद यहाँ से मैक्रिस कार्नियरो, तो ये इनकी सेटर होने वाली है। यहाँ से अगर मैं सीआर फ्लेमिंगो की तरफ से टीम न्यूज़ की बात करूं तो इन्होंने जो है अपना लास्ट मैच फ्लेमिनेंसे एफसी के अगेंस्ट खेला था, जो कि इन्होंने हार गया, जो कि हार के आ रहे हैं 0-3 से, तो स्ट्रेट सेट्स में हारे हैं। परफॉर्मर्स की अगर बात करूं तो यहाँ से बैटरीज करवालो, तो इनका, और यहाँ से पापा वालेरियो, तो दोनों के 7-7 पॉइंट थे। उसके बाद फर्नांडा आइसिस डासिल्वा के 6 पॉइंट, उसके बाद यहाँ से कार्ला सेंटोस के 5 पॉइंट, तो ये इनके कुछ परफॉर्मर्स थे। और इनके अभी तक स्क्वाड की कोई न्यूज़ नहीं है, तो मैंने सारा कुछ चेक कर लिया तो कोई स्क्वाड का अभी न्यूज़ नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो लास्ट मैच की इनकी पॉसिबल लाइनअप थी, जो लाइनअप थी उसी को जो है पॉसिबली स्टार्ट कराएंगे। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ लाइनअप की, तो फर्नांडा आइसिस डा सिल्वा और यहाँ से रॉबर्टा सिल्वा काफ़ी बढ़िया, दोनों ही जो है मिडिल ब्लॉकर हैं, दोनों मिडिल ब्लॉकर सेक्शन से आपको खेलते हुए मिल सकती हैं। उसके बाद आती हैं मारिया लुइसा डिओलिवेरिया, तो ये जो है एक विंग स्पाइकर हैं। उसके बाद पापा वालेरियो, तो ये भी एक विंग स्पाइकर हैं, तो दो मेनली अटैकर होने वाली हैं। यहाँ से कार्ला सेंटोस इनके आउटसाइड हिटर होने वाली हैं। उसके बाद मेयर विक्टोरिया इनकी सेटर हो सकती हैं। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की मैं चॉइस की अगर बात करूँ तो थायसा डेयर डी मेंजेस ये आपके लिए डिफ़ॉल्ट कैप्टन बन जाती है, बिकॉज काफ़ी बढ़िया परफॉर्मर हैं। एवरेज इनका लगभग मैं कहूँ अगर तो पर मैच इनका लगभग 13.5 का एवरेज है, तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मर हैं आपके लिए। तो आपको ज़रूर जो है इनको अपनी टीम का कैप्टन या वाइस कैप्टन एटलीस्ट रखना है स्मॉल लीग्स में। अगर उसके बाद बात करूं तो रोसलैंडी अल्वारेडो ये भी अच्छी परफॉर्मर हैं आप कह सकते हैं, मोस्टली ये आपके लिए एज अ वाइस कैप्टन अच्छी पिक हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं कैरोलिन गट्टास, तो इनको भी आप ज़रूर जो है अपना वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ये भी आपके लिए ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से मैं बताऊँ तो तीन मेनली आपको मैं ऑप्शन दे दूँगा, ये तीन में से कोई भी आप जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पापा वालेरियो और यहाँ से मारिया लुइस डी ओलिवेरिया, तो इन दोनों में से किसी एक को भी आप ज़रूर जो है इन चारों में से किसी को भी आप अपने हिसाब से कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा प्रीफर करूँगा थायसा पहले कैप्टन दे दें, उसके बाद वाइस कैप्टन में आप जो चाहे ऑप्शन को अपने लिए रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रोसलैंडी अल्वारेडो को प्रेफर करूँगा और यहाँ से कैरोलिन गट्टास को प्रेफर करूँगा वाइस कैप्टनसी के लिए। उसके बाद यहाँ से रिस्की पिक्स में अगर बात करूँ तो ब्रूनो हनेरियो ये भी एक जो है आउटसाइड हिटर अपोजिट हिटर हैं, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया पिक हैं। 11 के 11 राउंड इन्होंने अपने जो है
टीम के लिए खेल रखे हैं और पैचेस में अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस करके आती हैं। बिकॉज़ आप कह सकते हैं इनका जो है एक मैच में 26 पॉइंट भी थे, तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मर हैं। अगर एक आध दिन इनका अच्छा निकल जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी जो है ये एक पिक बन सकते हैं। तो आप ज़रूर जो है ग्रैंड लीग में एज अ वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, या एज अ इवन अगर आप थोड़ा मीडियम साइज़ की लीग में भी थोड़ा बहुत रिस्क लेके चलते हो और आपको रिस्क लेने में मज़ा आता है, तो आप ज़रूर जो इनको एज अ वाइस कैप्टन मीडियम साइज़ की लीग में भी बना सकते हो, काफ़ी बढ़िया आपके लिए एक पिक बन जाएगी। उसके बाद अगर बात करूँ तो डेजा मैकलेंडन, तो ये आपके लिए ये इनका फर्स्ट सीज़न है अपने क्लब के लिए सीआर फ्लेमिंगो की तरफ से, तो काफ़ी बढ़िया डेजा मैकलेंडन तो इटाम्बे मिनास, तो इनके लिए फर्स्ट सीज़न खेल रही है लेकिन काफ़ी बढ़िया जो है परफॉर्मेंस अभी तक किया हुआ है, तो आपके लिए एक ग्रैंड लीग की अच्छी पिक बन जाती है। ग्रैंड लीग में ज़रूर इनको ट्राई करना। उसके बाद यहाँ पे रॉबर्टा सिल्वा, रॉबर्टा इनके बारे में मैंने पहले ही जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसी में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो ज़रूर जो है उसमें आप देख सकते हो, उसमें मैंने इनके बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है। काफ़ी लंबी जो है मे बी 187 सेंटीमीटर की जो है हाइट इनकी लगभग है और काफ़ी बढ़िया जो है ये मिडिल ब्लॉकिंग करती हैं और जो है स्पाइक से भी अच्छे खासे पॉइंट लाती हैं, तो आपके लिए एक काफ़ी बढ़िया परफॉर्मर हैं। लेकिन इनके जो है इंजुरी तो नहीं मैं कहूँगा इलनेस था, तो उसके वजह से ये बीच के कुछ पिछले 2-3 मैचेस नहीं खेल पाई थी, सही से स्टार्ट नहीं कर पाई और खेले भी नहीं कुछ मैच, तो मेरे हिसाब से मोस्टली लगभग इनको 1 महीना या 1.5 महीना का रेस्ट अभी मिल चुका है, तो मेरे हिसाब से फुल्ली फिट होनी चाहिए और फिर से जो है टीम में कमबैक करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर खेलते हुए मिलते हैं तो आपके लिए ग्रैंड लीग की पिक बढ़िया बन जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे मेरी प्रिडिक्शन की बात करूँ तो इटाम्बे मिनास जो है यहाँ से सीआर फ्लेमिंगो को 3-0 या 3-1 से हरा सकते हैं, ये मेरा इस मैच के लिए प्रिडिक्शन है। तो आप यहाँ पे इटाम्बे मिनास के ज़्यादातर प्लेयर्स को अपनी टीम में ऐड करने की कोशिश करें और क्रेडिट्स में कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, मैं आपको बता दूंगा किन प्लेयर्स को आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में लेना है, तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। सो, मैंने अभी के लिए फ़िलहाल ये टीम बना के रखी है बिकॉज़ मैं जो अभी मान के चल रहा हूँ तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे बनाई है। मैंने आपको जैसे बताया थाइसा आपके लिए काफ़ी बढ़िया पिक रहेंगी एज ए कैप्टन, तो इनको मैंने कैप्टन रखा है। और यहाँ से मैंने होनोरियो मार्क्यूस को जो है ब्रूनो होनोरियो मार्क्यूस को जो है मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत रिस्क लेके मैं यहाँ पे इनको एज अ वाइस कैप्टन लेके चल रहा हूँ। आप यहाँ पे चाहते हैं तो रोसलैंडी अकोस्टो अल्वार्डो तो इनको भी ज़रूर जो है अपना वाइस कैप्टन बना सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बढ़िया पिक हो जाती हैं। आपको मैं कुछ और कॉम्बिनेशन भी बना के दिखा देता हूँ जिसको आप ज़रूर जो है अपनी टीम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अच्छा खासा जो है यहाँ से अगर मैं बात करूँ कार्ला सैंटोस तो ये अगर खेलते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया पिक है, इनको भी आप लेके जो है अपनी टीम का जो है कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपके पास कुछ और ऑप्शन है जो जैसे कि यहाँ से फर्नांडा आइसिस डासिल्वा ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया पिक हो सकते हैं, तो इनको आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रोबर्टा सिल्वा रोबर्टा तो ये भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया पिक है, इनको भी आप ले सकते हैं। तो ये और यहाँ से बैटरीस कावालो तो ये भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया पिक रहती हैं, बैटरीस कावालो ये भी आप ज़रूर जो है इनको भी अपनी टीम में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो है मिडिल ब्लॉकर अच्छे खेलते हुए मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा जो यहाँ से सीआर फ्लेमिंगो है तो उनके मिडिल ब्लॉकर बहुत ही मतलब लो उतना परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, तो आप ज़रूर जो है यहाँ से अटैकर से उनके कोई भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सैंटोस हैं सैंटोस को ऐड कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ से और कोई अगर मैं प्लेयर पिक की बात करूँ तो यहाँ से लुइसा डी ओलिवेरिया तो यही आपके लिए दो अच्छे ऑप्शंस हैं जो आप ज़रूर जो है अटैकर से ले सकते हो। अगर यहाँ पे आप मिडिल ब्लॉकर से लेना चाहते हो तो आपके लिए आइसिस डासिल्वा पहली प्रेफरेंस होंगी, उसके बाद करालवो, तो ये दो आपके यहाँ से रोबर्टा सिल्वा, तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप अगर यहाँ से इटाम्बे मिनास की तरफ से और कोई प्लेयर पिक करना चाहते हैं तो कार्लोने गट्टाज आपके लिए काफ़ी बढ़िया पिक रहेंगी, इनको आप ले सकते हो। और यहाँ से अगर बात करूँ तो कैसली क्लेमेंटी तो इनको भी आप ले सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन है। और यहाँ से डेजा मैकलेंडन ये भी आपके लिए ऑप्शन है। और यहाँ सेटर से कुछ ज़्यादा नहीं है, मैक्रिस कार्नियरो को आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इन्होंने जो है इनको आपने ऑलरेडी देख रखा है जो क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप हुए थे तो उसमें भी इनको आपने देख रखा है। यहाँ से मैंने विक्टर मायर को लिया हुआ है बिकॉज़ ये स्टार्ट कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया पिक रहेंगी। मैं यहाँ पे इसी टीम के साथ जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, आपके पास सैंटोस और मैं यहाँ पे बता दूँ तो लुइस डी ओलिवेरिया का ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, तो दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हो। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं, डाहर डी मेंजेस को मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ऐसा को मैं एज अ कैप्टन लेके चल रहा हूँ, और ब्रूनो होनोरियो मार्क्यूस को मैं यहाँ पे एज अ वाइस कैप्टन लेके चल रहा हूँ। आप यहाँ पे इवन रोसलैंडी अकोस्टा अल्वार्डो को भी जो है वाइस कैप्टन दे सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है।
तो ये कुछ स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में आपके पास ऑप्शंस थे, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लिबेरो के बारे में मैं आपको जब लाइनअप आ जाएगा तो उसके बाद मैं जो भी मेरा जो अगर लाइनअप अनाउंस हो जाता है, लाइनअप में अगर लिबेरो अनाउंस हो जाता है तो वो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, या जो है आपको मैं बता दूंगा कि कौन सी लिबेरो को आप अपनी स्मॉल लीग्स में ऐड कर सकते हैं और कौन सी लिबेरो को आप अपनी ग्रैंड लीग्स में ऐड कर सकते हैं। तो ज़रूर जो है उसके लिए आप लाइनअप का वेट करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको लाइनअप दे दूंगा मैं। जैसे ही लाइनअप अनाउंस होगा मैं आपको पहले वहाँ पर दूंगा, उसके बाद जाकर मैं अपनी टीम एडिट करूँगा। तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है लाइनअप आप तक पहुंचाने की, तो जरूर जो है इसको ध्यान में रखना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, ठीक है। और मेरे को ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलना, ट्विटर पर मैं आपको सारा कुछ जो है वहां पे एक्सप्लेन अभी कर दूंगा। मैंने वहां पे एक पोल भी किया था तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तो मैं यहां पे 10-11 बजे से जो है वहाँ पे मैं टिप्स देना स्टार्ट करूँगा, तो आपको पर हवर एक टिप तो मैं देता रहूँगा, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो जाता है। तो आप ग्रैंड लीग में उसको अप्लाई करके कुछ अच्छा विन कर सकते हैं, तो ज़रूर जो है मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर लेना। सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं और मैंने पहले कमेंट में मेरा ट्विटर हैंडल का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे चेक कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो लाइक करो यार, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।